पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, जो कि पूरे भारतवर्ष में और विश्व के 25 से अधिक देशों में हरि नाम संकीर्तन का, सनातन धर्म का, शुद्ध भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, उस महान संस्था के प्राक्तन आचार्य परमाराध्य श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी दिल्ली पधारे और दिल्ली के श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के सत्संग भवन में बैठकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ये विग्रह प्रतिष्ठा हुई है श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा श्याम सुंदर जी की, ये विग्रह प्रतिष्ठा होने से ये स्थान दिव्य हो गया है। यानी कि ये स्थान, महाराज श्री ने कहा कि जैसे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, नवदीप धाम जैसे पवित्र धाम हैं, ये भी उसी तरह से पवित्र हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो चैतन्य गौड़ीय मठ आपके नई दिल्ली में है, ये नई दिल्ली में होने पर भी ये नई दिल्ली का हिस्सा नहीं है, ये एक नया कॉन्सेप्ट और ये दिव्य विचारधारा आप परमाराध्य श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करें। ये जो वैष्णव ने प्रतिष्ठा किया यहाँ पर विग्रह गुरु राधा श्याम सुंदर, नवद्वीप धाम, पुरुषोत्तम धाम, वृंदावन धाम, यहाँ पर आए, ये कोई दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं है। आपने सुना गुरु महाराज जी ने कहा कि ये जो वृंदावन है, अब ये वृंदावन वैसे तो देखा जाए तो यूपी के बीच में, उत्तर प्रदेश के बीच में, पर गुरु महाराज ने कहा ये वृंदावन धाम ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये वृंदावन धाम का अवतरण हुआ है, भगवान के धाम से, गोलोक धाम से ये वृंदावन धाम का अवतरण हुआ है। ये जो दिव्य विचार हैं, ये जो दिव्य सोच है, ये जो धाम के प्रति दिव्यता दिव्य महापुरुष की है, हमको इस पर बार बार विचार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। जब महापुरुष की बात पर हम विश्वास करेंगे, एक दिन ये चैतन्य गौड़ीय मठ की दिव्यता या वृंदावन धाम की दिव्यता, नवदीप धाम की दिव्यता हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होगी। आगे महाराज श्री से धाम की महिमा। वृंदावन धाम में हम जाते हैं, वृंदावन धाम का अवतरण हुआ, वृंदावन धाम ये भारत का जैसे पंच महाभूत का ही है, उसका विकार नहीं है। जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि श्रील गुरु महाराज जी ने कहा कि ये जो सारा संसार ये पांच तत्वों का बना हुआ है, आकाश, मिट्टी, जल, वायु और अग्नि, ये पंच महाभूतों का बना, लेकिन धाम कहते पंच महाभूतों का नहीं है, क्योंकि ये जो पंच महाभूत है तो नाशवान है, ये परिवर्तनशील है, परंतु जो धाम है, वृंदावन धाम है, महाराज श्री ने कहा ये परिवर्तनशील नहीं है, ये दिव्य है। हम दुनियावी भूमिका में, मैं शरीर हूं और शरीर में ही मेरा पूरा आवेश है, इस भूमिका से मैं दिव्य वृंदावन धाम में, वैसे मैं बाहरी रूप से वृंदावन जा सकता हूं और कह सकता हूं मैं वृंदावन घूम के आया हूं, लेकिन जो दिव्य वृंदावन है जिसकी महाराज श्री बात कर रहे हैं, उस दिव्य वृंदावन में प्रवेश करने के लिए दिव्य भूमिका का होना बहुत जरूरी है। प्राकृत शरीर के वृंदावन धाम में नहीं जा सकता, भगवान अप्राकृत है, उनका धाम भी अप्राकृत, उनका पार्षद भी अप्राकृत है, ट्रांसेंडेंट है, प्राकृत नहीं है, दिस मटेरियल बॉडी यू कैन एंटर इन टू दैट ट्रांसेंडेंटल रियल, कभी नहीं। बाद में हम लोग चला गया वृंदावन बोलते,
वृंदावन धाम का अवतरण हुआ वो चिन्मय भूमि है, जरमय भूमि नहीं है। जब हम सहारा लेंगे, भगवान भक्त का सहारा लेंगे, तब वृंदावन धाम हमारा हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हाँ, तो महाराज श्री ने कहा, श्रील गुरु महाराज जी ने कहा कि यह जो दिव्य वृंदावन है, इस दिव्य वृंदावन का अगर एहसास करना हो, इस दिव्य वृंदावन को अगर हमने साक्षात रूप से दर्शन करना हो, दिव्य वृंदावन में वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण की सेवा में अगर हमको नियोजित होना हो, तो इसका तरीका है हमको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में व श्री कृष्ण के भक्तों के चरणों में अपने आप को शरणागत करना होगा। जब हम भक्त और भगवान के चरणों में अपने आप को शरणागत करेंगे, तब उनकी कृपा से हमारे हृदय में ये वृंदावन धाम प्रकाशित हो जाएगा। यानी कि अगर हम सद्गुरु के चरणों में अपने आप को प्रपन्न करें और गुरुदेव के जो आराध्य देव श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, उनके चरणों में अगर हम अपने आप को शरणागत करें, तो ये जो चैतन्य गौड़िया मठ एक धाम है, ये दिल्ली का हिस्सा नहीं है, ये वृंदावन ये यूपी का हिस्सा नहीं है, ये दिव्य धामों का अवतरण है, ये हमको एहसास होगा, ये रियलाइज होगा, ये अनुभव में हमारे आएगा। आज के लिए इस अनुकीर्तन में इतना ही। हरे कृष्णा।